टिप टिप बरसा पानी। अरे भाई ये देखो माइकल शूमाकर, ये ऐसा है और वो भी फरीदाबाद में हमारे शहर में। अरे आज तो लंगूर है बहुत सारे। Hey guys, this is Martin Showman. You're watching Cycling or Nothing. Or guys, ये भी आप nothing में consider करना। और guys, आज मैं निकल गया हूँ अपना मतलब फरीदाबाद में ही ना, मैं एक जगह जा रहा हूँ, एक मंदिर है काफी मतलब बहुत पुराना मंदिर है, उसके बारे में आपको उसके गेट के एंट्रेंस में पहुँच के बताऊंगा कि क्या उसकी मतलब हिस्ट्री रही है। बस आप बस ये मान लीजिए कि बहुत पुराना मंदिर है और जिसके साथ मैं जा रहा हूँ वो बस ये कैमरा पे आना नहीं चाहता, बस वही है क्योंकि उसको ये है कि अगर वो कैमरा पे आ गया ना तो मतलब तबाही हो जाएगी, मतलब दंगे हो जाएंगे हमारे सेक्टर में तो 100% हो जाएंगे, बाकी का मुझे पता नहीं। तो आप हाय सुन लीजिए, आप अपनी गंदी सी आवाज से हाय कर सकते हैं। हाय दोस्तों। हाँ तो बस वही है, ऐसे दोस्तों ये देख रहे हो, दोस्त ये दोस्त बना के कर लेता कि सिस्टम खत्म। बाकी गाइस मैं आपको ना रास्ता दिखा देता हूँ, अभी तो खैर मैं 28 मेट्रो से मतलब क्रॉस हो रहा हूँ, तो मैं आपको बटकल से मतलब पूरा ना रास्ता बताता हूँ जैसे भी है, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। बस अब यहाँ से हमने राइट ले लिया है, देखिए बटकल की मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मंदिर जा रहे हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता बट हाँ ऐसी तैसी हो रहा है। भाई ये देखो माइकल शूमाकर, तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। ठीक है गाइस, ये हमने बटकल से ऊपर चढ़ गए, ये देखिए लेफ्ट है थोड़ा, ये अंकीर का मतलब थाना है और ये अंकीर चौक है, और यहाँ से इस साइड अगर आप सीधा जाएंगे तो सूरजकुंड रोड है, और ये हमने लेफ्ट ले लिया यहाँ से, और अब आगे जाके भी दिखाते हैं आपको, तो आप बने रहना गाइस। ये देख लीजिए यहाँ से ना मैं राइट लेना है, ऊपर आपको बोर्ड दिख रहा होगा बटकल टूरिस्ट रिजॉर्ट फरीदाबाद। वैसे तो देखो आप GPS के थ्रू भी आओगे तो वो भी आपको मेनली ले ही आएगा, बट फिर भी अगर वो नहीं लाए तो आप साइकिलिंग और नथिंग की वीडियो देख सकते हो। और बाकी ना मैंने परसोन मंदिर पे एक और वीडियो बनाई हुई है पुरानी, मतलब मैं साइकिलिंग करने आया था यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको और थोड़ा आइडिया लग जाएगा बढ़िया। बट बाकी फिलहाल आप यहाँ से राइट लेके आपको रास्ता दिखाते हैं। गाइस आप ये सोच रहे होगे ना कि रोड कैसी है, देखिए कैसी रोड है ये, बट आप अभी तो लगा लो शुरू ही नहीं हुआ कुछ, अभी जो वो रास्ता है ना ये देखिए गाइस, एक और राइट है। देखो गाइस हमने सोचा था कि अपना सनराइज देखेंगे, बट कुछ लोग हैं ना थोड़े मतलब, पर एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे इन लोगों का मुझे कि आप आ जाए, ये आ जाएंगे, अब होगा रास्ता शुरू। ये देखिए ये यहाँ बोर्ड है, ठीक है परसोन मंदिर, ये देखिए ठीक है, और ये गाइज ये देखिए पूरा 5 मिनट का ऐसे जंगल के बीच में सह रास्ता। और इसकी जब मैं आपको गाइज इसकी हिस्ट्री बताऊंगा ना तो मतलब आप ऐसे हो जाएंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है या ऐसा है, और वो भी फरीदाबाद में हमारे शहर में। ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है मतलब, और आसपास मौसम तो खैर बढ़िया, और आसपास आप देख लो मतलब इतनी ग्रीनरी है, और ये सोचा ऐसी जगह लोगों को पता ही नहीं है। अरे 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 भाई 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 आराम से चलाइए, मतलब आप गिराएंगे थोड़ी, देखते गाइस मौसम बहुत अच्छा। बाकी हम पहुंच गए ऑलमोस्ट गेट पे, मैं आपको गेट पे पहुंच के दिखाता हूँ, फिलहाल तो यही है रास्ता। अब ये देखिए जहाँ देख, अरे अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल पेड़ों में से, अरे 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 कैसे। हाँ गाइस हम पहुंच चुके हैं परसोन मंदिर के गेट पे, और ये आपको मेरे पीछे गेट दिख रहा होगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। गाइस ये देख लीजिए शनिदेव जी का मंदिर, बट मेन मंदिर जो है वो नीचे है, और ये देखिए गेट पे लिखा हुआ है 1991, और इसका मतलब ये 1991 में बना था मंदिर। तो खैर गाइस ये बहुत पुराना है गाइस, इसका नाम जो है परसोन मंदिर वो इस मतलब पराशर धाम भी कहते हैं इसको, और परसोन मंदिर भी कहते हैं, और इसका नाम पराशर, ऋषि पराशर जो थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए वो की थी, तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और जो ऋषि पराशर थे वो वेदव्यास जी के मतलब जिन्होंने महाभारत और 18 महापुराण जो मतलब जो उनके ऑथर है जो उनके मतलब पापा थे वो ऋषि पराशर जी, और उन्होंने मतलब कहते हैं कि उनका भी मतलब जन्म यहीं पे ही हुआ था। और गाइस ये अब द्वापर के टाइम पे मतलब महाभारत के टाइम पे भी इसका ना थोड़ा जिक्र है, और आप ये देख लीजिए कि मतलब कितना ये मतलब पूरा अरावलियों के पहाड़ों में घिरा हुआ है। और आप मेरे पीछे देखिए लंगूर देखिए कितने सारे, और यहाँ कभी लंगूर होते हैं कभी बंदर होते हैं, मतलब यहाँ पे एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे लंगूर और बंदर साथ में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो और गाइस मोर भी बहुत होते हैं, गायें भी बहुत होती हैं मतलब, और गाइस यहाँ लोगों को ना इतना पता नहीं। आप ये देखिए इतनी अच्छी जगह, और इस टाइम पे आप आओ और ऐसी जगह आप कैसे मिस कर सकते हो फरीदाबाद में। और ही बड़कल ले जाओ वो देखिए गाइस ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पूरा मेरे हाथ के पीछे ये जो उंगली मैं आपको जहाँ दिखा रहा हूँ ये पूरी ये बटकल लेक थी पहले। आज से कितने टाइम पहले तक यहाँ पूरी लेक होती थी, यहाँ लोग बोटिंग भी करते थे मतलब आज से 15-20 साल के उस टाइम तक, और अब तो ये पूरी सूख गई है। अच्छा हमको सिखा रिया है।
बस अब वही है, आपको अंदर लेके चलते हैं गाइस। और यहाँ सीढ़ियाँ हैं और ये यहाँ पे आप ये देखिए इतना नीचे है ये, मतलब 250 फुट नीचे है। और यहाँ हर सीढ़ियों पे मतलब शुरुआत में राम लिखा हुआ है, ताकि मतलब लोगों के अंदर सारी पॉजिटिविटी आ जाए, जो भी नेगेटिविटी है वो लोग यहीं छोड़ दें और सारी पॉजिटिविटी लेके जाए अंदर और बाहर भी वापस। और बाकी तो राम का नाम तो आपको पता ही है, वो पत्थरों में जान डाल देता, तो हम तो खैर इंसान है जीवित। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाकी अंदर लेके चलते हैं आपको गाइस, अब चलिए हमारे साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ आपको, बट मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा। प्लीज इंजॉय करिए यहाँ का ऑरा। गाइस ये परसोन कुंड है और यहाँ पे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई स्किन डिजीज़ है या स्किन इश्यूज है, वो यहाँ पे अगर स्नान कर ले तो वो मतलब बहुत इजीली ठीक हो जाता है। बाकी अभी मैं यहाँ से पानी भर के पवित्र माना जाए, मतलब वो तो है ही पवित्र, आप बोल सकते हो, ऐसे भी वो नहीं है, पाक माना जाता है इसको, बहुत पवित्र माना जाता है। और मैं यहाँ से अभी पानी भर के काफ़ी मतलब सारे भगवानों को चढ़ाऊँगा। हमने ऑलमोस्ट पूरा मंदिर घूम लिया है, ये मंदिर का एंड लिया, आप एक बार दिखा दो पूरा। ये मतलब जैसे एक मेन मंदिर था वो जो हमने आपको दिखाया, वो मेन मंदिर है और ये एक उसके बाद दूसरा मंदिर है। और ये यहाँ पे आपको पीछे ये दिखेगा, ये देखिए आप, ये मतलब ये भी अलग अलग मंदिर बना रखे छोटे छोटे उन्होंने दर्शन करने के लिए। और आप ये देख लीजिए, इस पर 1870 में बना था ये, तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि ये 150 साल पुराना है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है। तो ये द्वापर जो युग था उस टाइम पे, ये मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो महाभारत हुई थी उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और जो ऋषि पराशर जी थे वो तो कितने टाइम पुराने हैं, तो उनके नाम से तो ये बना ही है, तो इससे तो साफ ही पता चल ही रहा है कि कितना पुराना मंदिर है। बाकी हमने आपको ऑलमोस्ट पूरा मंदिर दिखाई दिया, बाकी हम आपको एक बार ना बाहर लेके। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हम जब यहाँ पर मतलब ना, मैं यहाँ पर बहुत टाइम पहले आता था, तब मेरे को मतलब कैमरा वैमरे का इतना शौक नहीं था, तो हम वैसे ही आ जाते थे घूमने फिरने खेलने कूदने। और यहाँ पे ना आगे जाके ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे मतलब पूरा पहाड़ वहाड़ का व्यू है। और यहाँ पे आप आराम से मतलब ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग करते थे। हाँ तो गाइस, हम फाइनली परसोन मंदिर से आ चुके हैं बाहर। ये मेरे पीछे गेट ही है, ये तो खैर मैंने आपको दिखा दिया, बट गाइस मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पे विजिट ज़रूर करिए। और कोशिश करिए कि सुबह तो मतलब आप किसी भी टाइम आ सकते हो 5-6 बजे के बाद, और शाम को मतलब ये है कि 10 बजे तक वैसे तो ओपन रहता है ये, बट आप मतलब कोशिश करना कि दिन दिन में ही आ जाओ, क्योंकि अगर आप रात को आओगे तो यहाँ पे फिर जैसे जो भी मैंने आपको दिखाया पूरा लैंडस्केप वगैरह वो सब आपको दिखेगा नहीं। वैसे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, बस रास्ता थोड़ा वो है कि रिस्की है, मतलब 1-2% का रिस्क तो देखो गाइस हर जगह ही होता है, बट वही है कि आप अकेले मत
अकेले मत आओ तो वैसे क्या ही करोगे, बट मतलब बस ये है कि यहाँ पे आके आप और थोड़ा यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करिए और अपना जैसे अपने लव्ड वंस के साथ आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, अपने घर वालों को लेके आइए, उन्होंने ये जगह दिखाइए, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से मेरे को तो नहीं मिली, मैं इतना घूमता हूँ और आपने देखी है मेरी बाकी वीडियोज, मतलब दिल्ली में और दिल्ली बोला NCR में ही पूरी मुझे यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहाँ पे ये सब हो, मतलब इस हिसाब से मंदिर हो और जानवरों का इस हिसाब से पूरा मतलब मेल होता हो। और बाकी गाइस ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। बाकी अगर आपको ऐसी कोई जगह पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करना। मैंने ना इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी, वो आप मतलब उस पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो भी चेक कर लेना। उस टाइम पे मैं यहाँ साइकिल पे आया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उस टाइम में मैंने मतलब कवर नहीं किया था, बस आज मैंने आपको कवर किया दिखाने के लिए ताकि आप यहाँ विजिट करो और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को फील करो। ठीक है गाइस, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मतलब जगह बताना मेरे को, और कोई सब्सक्राइब करना चैनल को, और मेरे कैमरामैन भाई को थैंक यू मेरा, जो मतलब इतनी भाई ने मेरी मदद करी, अब वेलकम बोल सकते हो पीछे से, वेलकम, इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। अरे यहां तो लोग ऐसे देख रहे हो भाई, छोटे मोटे ही क्रिएटर हैं हम भाई, इतने बड़े क्रिएटर नहीं है अभी। पहले अपना नाम बताओ। मयंक। ये हमारे मयंक भाई, छोटे भाई हमारे, भगवान जी के दर्शन करते हुए। अपना नाम तो बताओ। संकेत। संकेत, आप कितने साल के? 10। 10 आप भी? 10, आप दोनों भाई हो गए। सितंबर में 11 साल के हो जाएंगे। 11 साल के हो जाओगे। मेरी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर आ रही होगी, मैं ज़्यादा तेज़ बोलना भी नहीं चाहता सही बताऊँ तो, क्योंकि मंदिर में आके आपको पता है मैं थोड़ा मतलब हो जाता हूँ लोग, मैं क्या हर कोई हो जाता है कि अंदर शांति शांति पॉजिटिविटी इतनी भर जाती है कि मतलब ज़्यादा तेज़ बोलने का मन नहीं करता मैं।